किस का केस में सबको जमीन मिल गया। ये हमारा इधर में नहीं होता है। हम लोग इज्जत से काम करते हैं, जमींदारी से काम करते हैं, लेकिन बीजेपी का इतना पैसा है कि वो बहुत सारे फेक न्यूज तैयार किया है। जितना वीडियो है वो साझा के करते हैं, नाटक बनाते हैं वीडियो। हम तो भारत हिंदुस्तान को जनता को कहेंगे उसको वीडियो विश्वास मत करो, वो पूरा जानबूझ के करते हैं। और हम जो कहते हैं यूट्यूब को कि देखिए फेक है, इसको नहीं चलना चाहिए, तो यूट्यूब 3 दिन टाइम लगा देता है। ये भी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक खेल है। क्या नहीं करते हैं? सब लोगों को तंग करते हैं, ऑफिसर लोगों को तंग करते हैं, फोन करके डांटते हैं, गवर्नर को देके फाइल रुक के रखता है। हर स्टेट इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो एक गवर्नमेंट क्या चाहता है? बोलता है 235 सीट लोकसभा में मिलने से कास्टिज्म बनाओ, राजवंशी का साथ बांग्लादेशी को लगाओ, जो बांग्लादेश से आया, बांग्लादेशी नहीं है अभी इंडियन है, मतुआ का साथ उसको लगाओ, आदिवासी का साथ महातो को लगाओ, मुस्लिम का साथ हिंदू को लगाओ। ये इसको तरीका है इलेक्शन का, चुनाव का। और बड़ा बड़ा बात करते हैं, जैसे बहुत बड़ा फ्यूडल लैंडलॉर्ड है और सबको धमकी देता है। मेरे को भी बहुत बार धमकी मिला, इसको खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, उसको खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। भाई हम एक राजनीतिक दल करते हैं, अब बोलिए ना हमारा पार्टी का नेशनल स्टेटस आप क्या सोचते हैं? इलेक्शन कमीशन आपको हक पे है, उसी के लिए वो जो मर्जी कर सकते हैं। हमारा तो एक उज्जवल था इसके लिए, सिस्टम क्या था